Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at COMSAIR Institute of Information Technology, and today is our lecture number 13 regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM 736. So, today our topic would be the Production Activity Control, that is PAC, PAC. Bar-bar use karenge word, lehaza aapko bata dun, that is a term known to be as a scheduling. इसका दूसरा नाम है कि हम लोग स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे, किस तरह से करना है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट ईच एंड एवरी आइटम को हमने यहाँ पे देखना है किस तरह से हमारे पास वैल्यूएशंस आ रही हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल्स की, तो याद रखिएगा वहां पे हम कह रहे होते हैं दैट इज प्रोडक्शन किस तरह से होनी है और उसकी एक्टिविटीज को हमने कैसे और किन बेसिस पे इवैल्यूएट करना है, यानी हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके अंदर अगेन बुक सेम है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन जेआर टोनी आर्नल की है। आगे उसके बाद अगली जी ऑपरेशंस बाय शेज फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस है हमारे पास, कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस की कितनी हमारे पास आ रही है, ठीक है। एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय हेजियर की, हेजियर की हमारे पास 11th एडिशन में कितनी है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल्स है वो दैट इज द केस हमने आज जो हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्दर केसेस, अगला फर्स्ट जी, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव आ रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल गैंट चार्ट, क्रिटिकल रेशियोस, शेड्यूलिंग, फिनिट लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड अदर अगेन देन असाइनमेंट मेथड, यानी कि क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल को देखना है। गैंट चार्ट क्या होता है वो हमने देखना है, इसमें क्या चीज होती है, बिकॉज दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्केड्यूलिंग, कब चीज कौन सी चीज कहाँ चाहिए, कौन सी चीज पहले बननी है, कौन सी चीज बाद में बननी है और उनको हमने कैसे सेटअप करना है, तो दैट वी आर गोइंग टू सी। क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग, क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, क्रिटिकल रेशियो की स्केड्यूलिंग होती है, क्रिटिकल रेशियो किस तरह होती है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, हमने इस क्रिटिकल रेशियो को कैलकुलेट भी करेंगे। फिनिट लोडिंग, फिनिट लोडिंग कैसे करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू लोड द रिसोर्सेस, स्केड्यूलिंग कैसे करनी है और असाइनमेंट मेथड्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे लेकर चलना है, हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यूएट देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू असाइन देम, कि हमने उन्हें असाइन कैसे करना है और किस बेसिस पे वैल्यूएट करके आगे लेकर चलना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड है कि हमने इन्हें कैसे वैल्यूएशंस को लेकर आगे चलना है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो अगर हम कहेंगे प्रोडक्ट एक्टिविटी कंट्रोल है तो हम लोग देखेंगे पहले एक्टिविटी कंट्रोल कैसे होना है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी विद द गैंट चार्ट, देन क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग, देन फिनिट लोडिंग, देन स्केड्यूलिंग एंड देन असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड इज अ वेरी गुड मेथड जो सिर्फ ये काम करता है कि इन्वेंटरी हर एक को असाइन करनी है और कैसे असाइन करनी है और किन बेसिस पे असाइन करनी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल की बात करते हैं, पीएसी इज द इन द एमपीसी सिस्टम, यानी मटेरियल प्रोडक्शन कंट्रोल, मटेरियल प्रोडक्शन कंट्रोल कितनी हमारे पास आनी है, ठीक है ना। तो पीएसी अगेन मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई वो नहीं है जिसे आप कह लें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन यूज हुई है, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, यहाँ पे क्या मतलब हुआ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल है और मटेरियल प्रोडक्शन कंट्रोल, मटेरियल की जो है ना प्रोसेस कंट्रोल जितना भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यानी शॉप फ्लोर कंट्रोल आ गया इसके अंदर, वेंडर स्केड्यूलिंग आ गई। शॉप फ्लोर कंट्रोल का मतलब है कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है, वो इसका पार्ट होगा। वेंडर स्केड्यूलिंग की बात करते हैं तो वेंडर स्केड्यूलिंग में हम कहेंगे जी कि वेंडर स्केड्यूलिंग में कितना मटेरियल हमारा गया, कितना मटेरियल आया, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जी, बेसिक डाटा के थ्रू कर सकते हैं, गैंट चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है एंड फिनिट लोडिंग है, यानी ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल को लेकर आना है, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल करनी है। बेसिक डाटा, गैंट चार्ट, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इज व्हाट, कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है, फिर कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है। गैंट चार्ट उसी की शेड्यूल कर रहा होता है कि पहली एक्टिविटी खत्म होगी तो अगली शुरू होगी, फिर अगली शुरू खत्म होगी तो फिर दूसरी शुरू होगी, तो दैट इज नोन टू बी एज अ गैंट चार्ट। नेक्स्ट थिंग दैट इज द फिनिट लोडिंग, क्या है वो, फिनिट लोडिंग है। तो बेसिक डाटा, फिनिट लोडिंग इज द पार्ट ऑफ इट, कि फिनिट डाटा हमने कैसे लेके जाना है। प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट ऑन शेड्यूलिंग, कि प्रोसेस डिजाइन एंड इंपैक्ट ऑन शेड्यूलिंग क्या है। बैच मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मैन्युफैक्चरिंग बैच वाइज कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्क ऑर्डर, क्या कहते हैं उसे हम, वर्क ऑर्डर। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वर्क ऑर्डर्स आते हैं। रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग आती है जिसे हम कहते हैं जीआईटी, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग आती है जिसे हम कहते हैं जीआईटी। नॉर्मली बैच मैन्युफैक्चरिंग हमेशा उस पर होती है जिसे हम कहते हैं जॉब ऑर्डर,
यानी ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर आया कि हाँ जी 200 पीसेस बनाने हैं, तो दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम वो होता है कि जिसमें हम पता है कि एक ही चीज ने रिपीटेटिवली बनना है, तो उसे हम क्या, उसके लिए नॉर्मली जीआईटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। उसके लिए क्या होता है, जीआईटी जो होता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, और वो जितना भी अप्रोप्रिएट होगा उतना उसके लिए बेहतरी आएगी। तो प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट ऑन स्केड्यूलिंग आ रही होती है, और इसी के बेस पे हम आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो पैक इन एमपीसी, एमपीसी पे आ रहा होता है, शॉप फ्लोर कंट्रोल है, वेंडर स्केड्यूलिंग आ रही, क्या चीज आ रही, वेंडर स्केड्यूलिंग आ रही, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल टेक्निक्स, क्या आ रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल टेक्निक्स, बेसिक डाटा आ गया, गैंट चार्ट्स आ गए, क्या आ गए हमारे पास, गैंट चार्ट्स आ गए, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आ गई, क्या चीज आ गई हमारे पास, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आ गई, एंड देन वी आर हियर फॉर द फिनिट लोडिंग। किसके लिए आ रहे हैं हम, फिनिट लोडिंग के लिए आ रहे हैं। प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट ऑन स्केड्यूलिंग क्या होती है, कि जब स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं तो वर्क ऑर्डर्स में आपको मिल रहे होते हैं, और रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, क्या हो रही होती है, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग आ रही होती है इन केस ऑफ जीआईटी। तो पैक ऑन एमपीसी सिस्टम में पहले क्या है, शॉप फ्लोर कंट्रोल, वेंडर स्केड्यूलिंग, फिर प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या है, बेसिक डाटा, गैंट, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी, फिनिट लोडिंग, एंड प्रोसेस डिजाइन के अंदर इंपैक्ट क्या आता है ऑन स्केड्यूलिंग, क्या होता है जी, आप स्केड्यूलिंग करते हैं तो जॉब ऑर्डर बन रहा होता है, और रेपिटेटिव वो तो जीआईटी को यूज कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन एमपीसी, रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिमांड मैनेजमेंट, ये क्या हुआ यहां पे, रिसोर्स प्लानिंग, डिमांड मैनेजमेंट दोनों मिलके आपकी प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी रिसोर्स प्लानिंग और डिमांड मैनेजमेंट दोनों मिलकर आपकी प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं। प्रोडक्शन से आपके पास आ रहा है एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, क्या चीज आ रहे हैं आपके पास, मार्केट प्रोडक्शन स्केड्यूल, जिसमें से आप रफ कट को अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, कि जितनी आप कह रहे हैं जी रफ कट में निकालें, तो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग आप सेपरेट कर रहे हैं, उसे आप अलग करके रख दिया आपने, दैट इज माय रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, तो मैंने इसको सेपरेट करके रख दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरे पास रफ कट में आ रही है, ठीक है ना। जब ये मेरे पास आ गई, तो दैट नेक्स्ट थिंग इज माय टूवर्ड्स डिटेल्ड मटीरियल प्लानिंग, इसकी तरफ आ रहा है, डिटेल्ड मटीरियल प्लानिंग की तरफ आ रहा है, और डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग के साथ ही मैंने ये भी करना है कि जब मटेरियल प्लान कर लिया तो साथ कैपेसिटी भी प्लान करनी, बिकॉज दोनों चीजें साथ साथ प्लान होनी है, आप वन बाय वन नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, आपने दोनों को साथ साथ ही मैयर करना है, दोनों को साथ साथ ही मैयर करेंगे तो कुछ चलेगा। और उसके बाद मेरे पास आएगा मटीरियल एंड कैपेसिटी प्लान, क्या आएंगे मेरे पास, मटीरियल एंड कैपेसिटी प्लान, यानी यहां से भी, अब यहां से डिटेल मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी नीचे चली गई है और कैपेसिटी की भी इंफॉर्मेशन आ गई, तो मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान पूरा हो गया, क्या हो गया मेरे पास, मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान। तो यहां पे एक चीज मेरे पास यहां ये निकल के आ रही है और एक चीज मेरे पास ये निकल के आ रही है, यानी दो चीजें मेरे पास इसमें से सामने नजर आ रही है कि ये चीजें हैं जिन्हों मेरे पास इंपैक्ट कर रही हैं, जो मेरे पास आइडेंटिफिकेशंस लेके आ रही हैं कि ये चीजें हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद आ रहा है यहां पे मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान्स में ऑर्डर रिलीज, और फिर यहां पे क्या है, परचेजिंग, मटेरियल के लिए परचेजिंग है और यहां ऑर्डर रिलीज हो रहा है, यानी ऑर्डर रिलीज भी करना है और यहां परचेजिंग भी करनी है। शॉप फ्लोर स्केड्यूलिंग, कि मुझे पता हो कि फ्लोर पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं और उस फ्लोर के हिसाब से ही मैं चीजों को एवेलुएट कर रहा हूं, क्या कर रहा मैं एवेलुएट कर रहा और उनको एवेलुएट करके ही आगे लेके जाऊंगा। तो अब परचेजिंग क्या है, वेंडर स्केड्यूलिंग एंड फॉलो अप, वेंडर स्केड्यूलिंग भी आ रही होगी और नेक्स्ट इज द फॉलो अप आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, नेक्स्ट इज माय फॉलो अप, के फॉलो अप को भी हमने साथ साथ ही लेकर चलना है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेंडर को स्केड्यूलिंग यहां से करनी है, शॉप फ्लोर शेड्यूलिंग कि किसने किस टाइम कौन सी शिफ्ट में क्या प्रोड्यूस करना है, दैट इज नोन टू बी एज अ शॉप फ्लोर स्केड्यूलिंग, कि आपको पता हो कि कौन सी चीज किसने कब किस टाइम क्या बनानी है, कौन सी चीज कब किसने क्या बनानी है और किस टाइम बनानी है, That is very important thing. तो shop floor scheduling is like that, कि आपने इसमें देखना है कि आपने shop floor को कैसे लेके चलना है, और इसी को कहते हैं कि आपने कौन सी चीज किसने बनानी है और कहां से material आना है, That is known to be as a production activity control. क्या कहा जाता है इसे, हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, के जब आप प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसे कहते हैं, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, यानी इस तरह से वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल एग्जिस्ट करती है। तो शॉप फ्लोर स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोल SFC आ रहा है यहाँ पे, और वेंडर स्केड्यूलिंग एंड फॉलो अप, के वेंडर कैसे स्केड्यूल कर रहे हैं और फॉलो अप कैसे हैं। तो डिमांड मैनेजमेंट यहाँ पे आ रहा है, फ्रंट एंड यहाँ पे आ रहा है, इंजन और बैक एंड, डिमांड मैनेजमेंट है, फिर ये फ्रंट एंड आ जाता है, ये पोर्शन क्या क्या
कहलाएगा आपका फ्रंट एंड, ये क्या कहला रहा है आपका फ्रंट एंड है ये आपका, यानी फ्रंट का एंड जिसे कह लें, और ये पोर्शन आपका सारा का सारा इंजन है। क्या है ये आपका सारा का सारा पोर्शन इंजन है, और ये वाला सारा का सारा आपका बैक एंड है। ये क्या आपका सारा क्या है बैक एंड है, यानी कि दैट इज ऑन द बैक एंड, दैट इज द फ्रंट इंजन एंड दैट इज द फ्रंट एंड, यानी हर चीज को आपने देखे एवेल्युएटिव पर्पस पे लेके आ रहे हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या इंपैक्ट्स नजर आएंगे। तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन द मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या चीजें हमारे पास आएंगी, दैट इज दिस थिंग, यानी कि हमारे पास ये सारी की सारी आ रही है कि किस तरह से हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल थिंग्स, कि हमने कंट्रोलिंग इसकी कैसे करनी है, ठीक है ना। एंड उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर जाएंगे टूवर्ड्स फर्दर प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी कंट्रोल में। तो मूविंग फर्दर, जब हमने यहां तक देख लिया से, अब आ रहा है बेसिक डाटा। बेसिक डाटा में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे इन्वॉल्व हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे इन्वॉल्व होंगी। एंड आइटम ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, इसका लीड टाइम 1 है, इसका लीड टाइम कितना है 3 है, इसका लीड टाइम 2 है, इसका लीड टाइम 2 है, और इसका लीड टाइम 1 है। अब याद रखें, जब बेसिक डाटा है उसमें बेसिक डाटा का जब भी ये मतलब लेगा तो याद रखना उसमें लीड टाइम इज अ पार्ट ऑफ इट। लीड टाइम इसका क्या है, लीड टाइम इज अ पार्ट ऑफ इट, के लीड टाइम जो है वो इसका पार्ट होता है। तो यहां पे कहेंगे एंड आइटम ए है, लीड टाइम 1 है, पार्ट बी क्या है हमारे पास लीड टाइम 3 है, पार्ट सी लीड टाइम 2 है, और इसी तरह आगे लीड टाइम 2 पे आ रहा है पार्ट डी, और पार्ट ई आ रहा है लीड टाइम 1 पे। ये हमारे पास बेसिक डाटा में इन्वॉल्व है, क्या चीज इन्वॉल्व है, ये हमारे पास बेसिक डाटा में इन्वॉल्व है, और बेसिक डाटा के अंदर ये चीज हमने देखनी होती है कि हम इसको कैसे और किन बेसिस पे आगे लेकर जा सकते हैं और कैसे इन बेसिस पे आगे लेकर इसे हम जाएंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, कि इसमें हम लोगों ने देखना है कि बेसिक डाटा। अब ये चीजें हैं, अब जारी बात है इसको मैनेज तो करना है। अब मैं कहता हूं पार्ट सी के हमें चाहिए इसके लिए 2 वीक्स 3 वीक्स, सबसे पहला ऑर्डर आपका जाएगा, जब कमी आएगी तो पार्ट बी का जाएगा, फिर आपने किसका ऑर्डर करना है पार्ट सी का, और लास्ट में एंड में पार्ट ए का ऑर्डर करना है, बिकॉज लीड टाइम के हिसाब से अर्लीएस्ट ऑर्डर जाएगा पार्ट बी का, फिर उसके बाद जाएगा पार्ट सी का, फिर जाएगा पार्ट ए का। इस तरह पार्ट डी और पार्ट ई वे, पहले पार्ट डी का जाएगा, फिर पार्ट ई का जाएगा, लेकिन उससे भी पहले जाएगा पार्ट बी का, यानी दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इट, यानी इस तरह से ये वर्क करते हैं और इस तरह से वर्क करके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। राउटिंग डाटा एंड ऑपरेशन सेट बैक चार्ट, यानी ये राउटिंग डाटा है और सेट बैक चार्ट है जो हम लोग कहते हैं स्केड्यूलिंग का। राउटिंग डाटा एंड सेट बैक चार्ट, ऑपरेशन 1, वर्क सेंटर 10, अभी सेंटर्स के नाम है, रन टाइम 1.4 है, सेटअप टाइम इतना है, मूव टाइम इतना है, क्यू टाइम इतना है, टोटल टाइम इतना है, राउंडेड टाइम इतना है, सो दैट इज नोन टू बी एज योर ऑपरेशंस, क्या कहते हैं इसे हम, ऑपरेशंस है, ठीक है ना। ऑपरेशन 2 में 109 है, तो 1.5 में ये आ रहा है, सेटअप टाइम इतना है, मूव टाइम इतना है, क्यू टाइम इतना है, टोटल टाइम इतना है, और राउंडेड टाइम इतना है, दैट इज 5। एंड 103 में क्या आ रहा है, रन टाइम 0.1 है, सेटअप टाइम 0.1 है, मूव टाइम इतना है, क्यू टाइम इतना है, टाइम इतना है, यानी हर एक चीज का टाइम बताता जा रहा है, यानी दैट इज हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड, यानी ये हमारे पास टाइमिंग्स हैं जिसको हमने देखना है। तो टोटल लीड टाइम कितना है इन डेज, दैट इज 10, कितना है हमारे पास, दैट इज टोटल टाइम कितना है, लीड टाइम इन डेज, तो यहां पे हम कहेंगे दैट इज दिस मच, तो यानी हमारे पास टोटल लीड टाइम इतना है कि रन टाइम इतना है, सेटअप उसको करने में इतना टाइम लगना है, मूव टाइम इतना है, क्यू टाइम इतना है, तो टोटल टाइम आ गया, जिसे हमने राउंड ऑफ करते गए तो हमारे पास टोटल टाइम आया 10 डेज, ठीक है। तो यहां पे आ गया पार्ट ई राउटिंग, अब यहां पे भी यही अगेन देखें, हर एक वीक है और उसके राउंडेड टाइम हमने ले लिया, देखें यहां 0.1, 0.3, 0.1, 0.2, 0.5, 1.1, 0.2, 0.1, 0.3, 0.5, 1.1 एंड 0.3, 0.2, 0.1, 1.5, 2.1, इसी तरह देखें हर एक का निकला, तो इन्होंने यहां पे राउंड ऑफ किया, वन डे, टू डे, वन डे, तो यानी इन सबको मिलाया तो आपने कहा जी लीड टाइम मेरे पास कितना आ रहा है 5 डेज। तो ये हमारे पास है राउटिंग डाटा, जिसकी बेस पे हम किसको डिसाइड करते हैं, लीड टाइम कितना है, क्या डिसाइड करते हैं कि लीड टाइम हमें कितना और कैसे आ रहा है और किन बेसिस पे आ रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू सी द लीड टाइम, और लीड टाइम को हमने किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू सी इट, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पे देखें तो कैसे आ रहा है, ए का यहां पे आ रहा है, ए ने बनना है ना फाइनल में, और यहां पे हमारे पास इसने यहां पे ऑर्डर दे दिया और इसने भी यहीं पे ऑर्डर दे दिया,
इसको यहाँ जाके मिल रहा है और इसको यहाँ भी जाके मिल रहा है, और ये सब इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक डाटा। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये बेसिक डाटा पे डिपेंड कर रहा है कि ये हमारे पास बेसिक डाटा है और इसी की बेस पे हमने उसे आगे लेकर चलना है। यानी दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी इट, कि कब चाहिए कैसे चाहिए। अब यहां पे देखें तो ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो अब यहां पे मैं अगर डी को देखूं तो टोटल टाइम, अब यहां पे मैंने अगर ऑर्डर कर दिया थ्री पे से, तो यहां पे मुझे टोटल टाइम में फोर डेज यहां पे लगेंगे। पहले कितने लगेंगे? फोर डेज यहां पे लगेंगे, फिर वन डे लगेगा। तो इन अदर वर्ड्स मैं कहूं कि यहां पे है तो यहां पे पहले में हमें लगेगा जी दैट इज ऑपरेशन वन में फोर डेज, देन फाइव डेज एंड देन वन डे, फोर डेज फाइव डेज एंड देन वन डे। तो दैट्स हाउ देयर टाइम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड सेम गोज विद ई, ई के साथ वन वन डे के फर्क है, तो टू डेज का एक फर्क है, बाकी सब सेम है। और इसीलिए यहाँ पे सी में भी यही है, यानी हर एक का हमने लीड टाइम में फर्दर ऑपरेशन को भी आइडेंटिफाई करना है कि फर्दर ऑपरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे इन्वॉल्व हैं और किस किस बेसिस पे हमने ये देखना है कि ये चीजें हमारे पास जनरेट हो रही हैं। सो मींस टू से ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी सीन इन द वे दैट इट इज, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास भी यही है कि पूरे वीक्स पे अगर हम इसे ड्रॉ करें, शेड्यूल बना रहे हैं ना, ये शेड्यूल है एक तरह से। तो जब आप शेड्यूल बना रहे हैं तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ गैंट चार्ट को देखते हैं, गैंट चार्ट कैसे बनता है, क्या होता है। द इनकमिंग ऑर्डर ऑफ एट टॉम सेल्वरो फॉलोज डिफरेंट रूट्स थ्रू द शॉप, बट ऑल ऑर्डर्स मस्ट स्टॉप एट ईच ऑफ द थ्री वर्क सेंटर इन प्लांट। द टेबल बिलो शोज द ऑल टास्क ऑफ फोर जॉब्स अराइव्स इन द फाइव डेज नीडेड टू स्केड्यूल, एंड इट इज करंटली नवंबर 10 एंड द सेवन एंड सेवन डेज अ वीक। ऑर्डर्स क्या है हमारे पास, नवंबर 10 का है, नवंबर 10 का है। जॉब रूटिंग क्या है, 1 3 2 2 3 1 1 3 2 1 एंड 2 1 3। और यहां पे हमारे पास आ गया जी, ये देखें जी, प्रोसेसिंग टाइम VC1 VC2 एंड VC3। वो कह रहा है जी वन डे इसमें लगेगा, थ्री डेज उसमें लगेंगे, वन डेज इतने लगेंगे, उसमें भी टू 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 डेज लग रहे हैं, थ्री वन टू डेज लग रहे हैं, एंड वन थ्री वन डेज लग रहे हैं। अज्यूम दैट न्यू मटेरियल फॉर ऑल वेंडर्स इन स्टॉक दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीक्वेंसिंग रूल इज यूज्ड इन ऑल वर्क सेंटर। ऑल थ्री वर्क सेंटर आर आइडल एज वर्क बिगिंस ऑन ऑर्डर्स बी एंड जी ऑन नवंबर 10। यानी कब ऑर्डर प्लेस होना है, जब बी एंड जी ने कंप्लीट होना है तभी उन ऑर्डर्स ने प्लेस होना है और प्लेस होकर हमारे पास आगे लेकर चलना है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट देम। यानी उनको हमने देखना है कि किन बेसिस पे इवेल्युएट हो रहा है। तो यहाँ पे गैंट चार्ट को लेकर चलते हैं। तो गैंट चार्ट के हिसाब से हमने देखना है कि ऑर्डर कैसे चल रहे हैं बी जी एच के, यानी हमारे पास लेके चल रहे हैं। अच्छा, गैंट चार्ट इज समथिंग अ चार्ट। अब जैसे नाम से पता है कि चार्ट है, तो मैं कहता हूं यहां पे मैं कहता हूं जी मेरे पास दैट इज अ ड्यूरेशन वन डे डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव। अब गैंट चार्ट क्या, वो कहता है जी मेरी जो एक्टिविटी वो कंप्लीट होगी एक दिन में, तो मैं एक दिन का ये बना लूंगा, दैट इज माई बार। मैं कहता हूं दूसरी एक्टिविटी जो अगली एक्टिविटी शुरू होगी वो दो दिन चलेगी, आई वुड टेक डे थ्री। तो यहां पर मैं कहूंगा जी ये मेरे पास डे थ्री का आ गया। अगली एक्टिविटी कहूंगा जी इसके बाद जो एक्टिविटी शुरू हो रही है वो यहां पर डे फाइव तक जाएगी, तो दैट इज माई गैंट चार्ट। यानी हर एक चीज को मैं सेपरेटली लेके चलूं, यानी एक तरह से उनकी स्केड्यूलिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, उनकी स्केड्यूलिंग करूं, यानी स्केड्यूलिंग से बता रहा हूं कि मेरे पास क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी और किस बेसिस पे इन्वॉल्व होंगी और उनको मैंने कैसे आगे लेकर चलना है। हाउ आई एम गोइंग टू डू देम एंड हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट, यानी किस तरह से मैं उसको परफॉर्म करूंगा और किन बेसिस पे मैंने उनको आइडेंटिफाई करना है। अब यहां के टॉम सेल बैंड की, अब उन्होंने क्या किया, अब हमने बनाना है गैंट चार्ट, कि गैंट चार्ट उनका बनाते जाना है। अब एक्टिविटीज देखिएगा क्या क्या हमारे पास बी जी एच के। अब यहां पे आगे चलें तो वो कह रहा है जी बी आइडल है, जी आइडल है, के और एच यहां पे आ गया। वर्किंग कैपिटल टू, अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट हम बनाते जाएंगे, चार्ट डिपिक्टिंग द प्रोसेस एंड आइडल टाइम ऑफ द थ्री वीक्स। अब यहां पे क्या है, बी के लिए यहां पे जी इतना है और डी सी आइडल पड़ी है यहां पे। अब वो किसी नहीं कह रहा है क्योंकि बिकॉज यहां पे आप देखें तो यहां पे अब हर चीज का उसने एक मेजरमेंट दी हुई है कैसे कैसे चलना है। जब तक वो आपके पास 12 नहीं आएगा तो एच नहीं चलेगा, 12th डेट नहीं आएगी तो एच नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है 10th को, तो नवंबर 10th को बी और जी तो चल पड़े। अब यहां पे जब बी और जी चल पड़े तो इनको हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि ये हमारे पास बन गए। वी सी आइडल पड़ी है जब तक बी जी को ना चाहिए, अब यहां पे ये आइडल पड़ी हुई सारी की सारी, और ये यहां पे बीजी को इतना रिक्वायर्ड था उसने ले लिया। आगे फिर बीजी आ गया,
लेकिन जैसे ही हमारे पास 12 आएगी तो 12 के साथ हमने एच को भी लेके चलना है। क्या करना है, हमने 12 के साथ एच को भी लेके चलना है, क्योंकि जितना हम एच को लेके चलेंगे उतना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। मीन्स हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, दैट इज टूवर्ड्स द एच साइड। तो यानी हमने स्टार्ट कर दिया बी जी यहां पर शुरू कर दिया, एच 12 पे स्टार्ट हुआ, के यहां पर स्टार्ट हुआ, एंड इट गोज इन लाइक दैट। तो लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें आइडियल भी पड़ी हुई है बी जी के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां पे बी जी यहां हो गया, एच यहां से स्टार्ट हुआ, तो एच यहां से जब स्टार्ट हुआ तो हमने यहां पे देखा है कैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट गैंट चार्ट डिपेक्टिव प्रोसेसिंग एंड आइडियल टाइम ऑफ 3 वर्क सेंटर्स फॉर दीज 4 जॉब्स, के जो 4 जॉब्स हैं इसके लिए कितने सेंटर्स हमारे पास आइडियल पड़े रहेंगे जिनमें हमारे पास कोई चीज भी वेरी नहीं करेगी या आइडेंटिफाई नहीं होगी। ऑर्डर टाइम की देखें तो यहां पे हमारे पास उसी हिसाब से चल रहे हैं कि पहले यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है। तो यहां पे आ गया VC1, तो वन में जाएगा ये, फिर 2 में जाएगा ये, और इसी के बीच में हम लोग चलेंगे यहां पे, फिर 3 में जाएगा ये, यहां पे नेक्स्ट में कितना में चला जाएगा, दैट इज 3 में जाएगा। यानी कि प्रोसेसिंग टाइम्स लिखे हुए हैं, यहां देखें डेज हैं, क्या है हमारे पास डेज हैं, कि पहले जो हमारे पास वीसी है वो 1 दिन चल रहा है, दूसरे वाले में 2 दिन चल रहा है, फिर उसके बाद 12 आया नहीं है तो हमारे पास जो वीसी अगला है VC3 पे आ रहे हैं, तो VC3 पे हम लोग कहेंगे यहां पे अभी कुछ नहीं चल रहा, और VC2 पे देखेंगे कि हमारे पास और क्या है। यानी ईच एंड एवरी आइटम वुड बी डेवलप लाइक दैट, यानी कि हर एक को हमने बारी बारी करके डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से हमने करना है। तो जारी बात है, अब यहां पर देखें तो 1 डे लग रहा है VC1 पे और 3 दिन लग रहे हैं VC2 पे, तो यहां पे 3 दिन जो लगेंगे VC2 के लगेंगे और बाकी उसके बाद आगे चलते जा रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ डेज वी आर डेवलपिंग अ थिंग्स दैट इज बीइंग इजीली आइडेंटिफाइएबल, यानी जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई करके आगे ले जा सकते हैं कि कैसे हमने उसको देखना है या किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज वी आर गोइंग टू सी ए कंस्ट्रक्ट अ गैंट चार्ट डिपिक्टिंग द प्रोसेसिंग एंड आइडल टाइम फॉर 3 वर्क सेंटर्स फॉर दीज 4 जॉब्स, कि इन 4 जॉब्स के क्या वर्क सेंटर्स हैं और कैसे ये वर्क सेंटर्स आपस में वर्क कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सो मूविंग फर्दर, अब यहां पे हमने क्या किया, हाउ मेनी डेज ईच जॉब वेट इन क्यू फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वर्क सेंटर, यानी कितने टाइम उन्हें वर्क सेंटर में क्यू में काम करना पड़ेगा, यानी क्यू में हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो यानी आपको वही कह रहा है, द डिटरमिनेशन ऑफ हाउ लॉन्ग वेट इज फॉलो एज बी एंड जी आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली, अब ये और दोनों तो इमीडिएटली प्रोसेस होंगे एट सेंटर 2, एंड उसके बाद के मस्ट वेट 1 डे, 1 डे के को वेट करना है, किसको वेट करना है, के को 1 डे वेट करना है, एंड 11-14 एंड एच वेट्स 4 डे, यानी एच को कितने डेज वेट करना है, दैट इज 4 डेज, 4 डेज उसे एच को वेट करना है, यानी एच को उसी हिसाब से वेट करते जाना है, दैट इज 12-13 एट VC3 एंड 11-17 एट VC2, 11 और 17 कब होगा एट VC2 के, VC2 के हिसाब से हमने उसे इन इन दिनों में वेट कराना है। क्या करना है, हमने इन दिनों में वेट कराना है या वेट करते जाना है। तो दैट मींस कि दैट इज द डिटरमिनेशन कि हाउ लॉन्ग द जॉब्स विल बी वेटेड, तो और वो नजर भी आ रहा है कितना कितना हमने वेट करना है, 11-12 है तो 13 है, अब यहां पे 11-15 है तो यहां पे 1 डे का वेट आ रहा है, तो यहां पे हमने इस चीज को देखना है कि वेट क्या, और जो आइडियल है तो वो आइडियल प्लेसेस में पड़ा रहेगा VC3, यानी VC3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी VC3 एज इट इज सेम फॉर्मेट में रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे कि हमने कैसे और किन बेसिस पे चेंजेस को आगे लेकर चलना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट इट, कि हमने इनके चेंजेस को कैसे मेजर करना है या देखना है किस बेसिस पे इवेलुएट हो रहे हैं। सो दैट इज द थिंग दैट इज व्हेन वी आर मेकिंग अ गैंट चार्ट, कि जब भी गैंट चार्ट डेवलप करना है तो गैंट चार्ट में आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें इवेलुएट होना बाकी रहता है। प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल, अगली चीज जो आ रही है हमारे पास कि प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल के किस तरह से प्रायोरिटी को सीक्वेंस कराना है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी हम बात करते हैं प्रायोरिटी को सीक्वेंस करना है तो ईच एंड एवरी प्रायोरिटी मस्ट बी सीक्वेंस्ड, यानी हर प्रायोरिटी को क्या करना है, हमने सीक्वेंस में लाना है और सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने के बाद ही उसे सामने लेकर आना है। पहली जो चीज होती है वो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे हम कहते हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, शॉर्टेस्ट ओपनिंग ऑपरेशन नेक्स्ट। अब अगला काम जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट, यानी जो शॉर्टेस्ट होगा उसको
पहले नेक्स्ट करना है आपने अगला, यानी कहते हैं ना छोटा, जो जिसका छोटा काम है वो पहले स्टार्ट पहले बताए, तो वो उसी उस हिसाब से भी आप चलते हैं कि यार जी हाँ जी जो चीज पहले होनी है वो पहले खत्म होके एंड हो जाए, दैट मींस दैट वुड बी फिनिश्ड। अर्लीस्ट ड्यू डेट, या जिसकी ड्यू डेट सबसे अर्लीस्ट है, यानी जिसकी आपको पता है ड्यू डेट फॉरन आ जानी है, तो उसके लिए आप अर्लीस्ट हो, यानी यू शुड बी ऑन द अर्लीस्ट। ऑर्डर स्लैक, टाइम रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट, यानी क्या ऑर्डर स्लैक कितना होगा, टाइम रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट माइनस सम ऑफ रिमेनिंग सेटअप एंड रन टाइम, यानी टाइम रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट माइनस सम ऑफ सेटअप रिमेनिंग सेटअप एंड रन टाइम, यानी इन दोनों का डिफरेंस है उसे कहेंगे ऑर्डर में स्लैक है, यानी इतना आपके पास स्लैक आ रहा है, यानी इतना आपके पास स्लैक पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका ऑर्डर। तो टाइम रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट सम ऑफ रिमेनिंग सेटअप एंड रन टाइम, यानी सम ऑफ रिमेनिंग सेटअप एंड रन टाइम के कितना आ गया रिमेनिंग सेटअप और रन टाइम। स्लैक पर ऑपरेशन के एक स्लैक पर ऑपरेशन कितना है, यानी एक ऑपरेशन से रिलेटेड कितना स्लैक एग्जिस्ट कर रहा है और उस स्लैक में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट थिंग इज अ क्रिटिकल रेशन, ड्यू डेट नाउ डिवाइड बाय लीड टाइम रिमेनिंग, ड्यू डेट नाउ डिवाइडेड बाय लीड टाइम, तो दैट इज नोन टू बी एज अ क्रिटिकल रेशियो। क्या कहते हैं इसे हम, ये एक तरह से क्रिटिकल रेशियो है, यानी क्रिटिकल रेशियो की तरह वर्क करती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शॉर्टेस्ट ओपनिंग नेक्स्ट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, देन शॉर्टेस्ट ओपनिंग जो सबसे छोटा पहले आए या अर्लीस्ट ड्यू डेट वाले पहले है, उसके बाद देखना है ऑर्डर स्लैक किस में ज्यादा है, क्या क्या देखना है हमने, ऑर्डर स्लैक टाइम रिमेनिंग टू ड्यू डेट माइनस सम ऑफ सेटअप एंड रन टाइम, यानी सम ऑफ रिमेनिंग सेटअप एंड रन टाइम। तो जितना ऑर्डर स्लैक आएगा उतना आप उसे देखेंगे कि उसके बाद देखना है। स्लैक पर ऑपरेशन, हर ऑपरेशन से रिलेटेड कितना स्लैक है, हर ऑपरेशन से रिलेटेड कितना स्लैक है और कैसे स्लैक है। क्रिटिकल रेशियो आती है ड्यू डेट नाउ डिवाइड बाय लीड टाइम, यानी कि क्रिटिकल रेशियो क्या होगी, ड्यू डेट नाउ डिवाइडेड बाय लीड टाइम रिमेनिंग, कि जो ड्यू डेट आज है डिवाइडेड बाय लीड टाइम, कि लीड टाइम हमारा कल को क्या होना है, व्हाट इज द लीड टाइम रिमेनिंग। लीड टाइम रिमेनिंग इंक्लूड्स सेटअप रन, अब सेटअप टाइम रन मूव एंड क्यू टाइम ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑपरेशन, कैसे मैं जरा एक दफा बैक स्लाइड पे जाता हूं आपको बताता हूं। अब देखें यहां पे जैसे हमने कहा था, ये देखें सेटअप रन मूव क्यू, इन चारों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या कहलाएगा, दैट इज आर ओवरऑल यू कैन से रिमेनिंग लीड टाइम, यानी रिमेनिंग टाइम है कितना, ही हमारे पास रिमेनिंग टाइम है जो उसको चलेगा, ठीक है ना। और इसी के बेस पे वो कह रहा है कि इन सबको जब ऐड किया हमारे पास तो कह रहा है जी लीड टाइम रिमेनिंग इंक्लूड, यानी इतनी इन सारों को जब ऐड कर देंगे तो सेटअप रन मूव एंड क्यू फॉर ऑल रिमेनिंग, यानी ये चार है सेटअप रन रिमूव एंड क्यू, और यहां पर भी देखें कितने सेटअप रन मूव एंड क्यू, इन चारों को जब ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे जी ये आ गया हमारे पास वैल्यू, और बाकी कहेंगे जी बाकी जो होगा वो अदर से उसमें से लीड टाइम में से हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम लीड टाइम में से हम इसे माइनस कर देंगे या अलग कर देंगे लीड टाइम में से, इसे लीड टाइम में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास आ रहा है दैट इज, अब वो ये कह रहा है ना ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑपरेशन सारों का करेंगे, यानी जो लीड टाइम रिमेन रह जाएगा वो सारे फ्री रह जाएगा, बाकी लीड टाइम को आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे। तो दीज आर नोन टू बी एज अ प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल, क्या कहते हैं इसे हम प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल, की ये हमारे पास एक तरह से प्रायोरिटी को सीक्वेंस कर रहे हैं, यानी प्रायोरिटी किस तरह से बेस करनी या किन बेसिस पे डिफाइन करनी कि प्रायोरिटी क्या है, यानी किन बेसिस पे हमने डिफाइन करनी है कि हमारे पास प्रायोरिटी क्या है और किस तरह से वर्क करती है। सो दैट मींस प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल्स जो हैं वो हमने इसमें देखने हैं कि हमारे पास कैसे आ रहे हैं और किन बेसिस पे आ रहे हैं। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी के प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल्स कितने हैं और कैसे वर्कआउट हो रहे हैं। Knox machine, the job below are waiting to be processed at PW grinder at the Knox machine company. There is no other job and the company machine is empty. Machine processing time इतने हैं and date job arrived at this, यानी ये dates हैं हमारे पास जो job arrive हो रही है हमारे पास, ठीक है ना। And job due हमारे पास कितनी आ रही, that is 8915801 87. This is the final operation for each of these jobs, यानी ये हमारे पास final operation है for each of the These jobs, यानी इन सारी jobs का ये हमारे पास final operation है जो हमारे पास existence में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है हमें, existence में नजर आ रहा है, ये हमारे पास final job है जो उसके पास उसमें नजर आ रहा है या उसमें exist करता है। तो job A में क्या है, machine processing 4 है, उसके अलावा और इन्हीं के हिसाब से हमने इसे identify करना है कि machine time क्या है, इसका मतलब है
ए जॉब ए जो है मशीन टाइम में 4 गुजारेगी, बी जो है 4 गुजारेगी, सी जो है 5 गुजारेगी और डी जो है वो 2 गुजारेगी, और जिस डेट पे आ रही है उसको। तो इसका मतलब है डेट के हिसाब से कहूं तो पहले हमारे पास सबसे पहली जो आएगी वो आएगी ये वाली, डी को पहले करेंगे, फिर उसके बाद 23 को करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे, यानी 1 2 3 4 ये हमारे पास आ रही हैं। दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट, और इसी के हिसाब से कह रहे हैं जॉब ड्यू डेट। अब ड्यू डेट यहां पे हमारे पास क्या आ रही है, सबसे पहली जो हमारे पास ड्यू डेट आ रही है वो आ रही है हमारे पास ये है हमारे पास, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी डेट आ रही है हमारे पास दैट इज सेकेंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो ये 2 4 1 3, तो हमारे पास जॉब के हिसाब से जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि या तो हम देखेंगे शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट कौन सा है, और अर्लीस्ट ड्यू डेट देखेंगे, और फर्स्ट कम फर्स्ट कम। तो यहाँ पे हम देखें थारों को देख चुके हैं, और शॉर्टेस्ट कौन सी है, बी है, कौन सी शॉर्टेस्ट भी है, तो हमने यहां पे तीनों देख ली। तो अगर हम शॉर्टेस्ट को देखते हैं, किसको देखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम की, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं पहले को, नेक्स्ट को, और इसमें से अगर देखते हैं कि अराइव्ड कैसे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में तो डी पहले होगी, और अगर जॉब ड्यू डेट देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जॉब सी होगी, यानी हमने इन तीनों को सामने रखते हुए देखा है। तो पहले देखते हैं हम नॉक्स मशीन का सोल्यूशन निकालते हैं कि कौन कौन सी है, ठीक है ना। अब क्या है, द प्रोडक्शन मैनेजर हर्ड अबाउट 3 डिस्पैचिंग रूल। अब उसने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने हर्ड किया है कि 3 डिस्पैचिंग रूल्स होते हैं, कितने होते हैं 3 डिस्पैचिंग रूल्स होते हैं, जस्ट शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट रूल, द फर्स्ट कम, अब यह शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट है, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड द अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो मैंने अभी तीनों आइडेंटिफाई कर दी। इन व्हाट सीक्वेंस वुड दी जॉब बी प्रोसेस्ड, द शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट में क्या होगा, बी डी ए सी जो भी मैंने आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डी ए बी सी आ रहा है, क्या रहा है डी ए बी सी आ रहा है, और अर्लीस्ट ड्यू डेट में सी ए डी बी आ रहा है, क्या रहा है अर्लीस्ट ड्यू डेट में सी ए डी बी आ रहा है। तो जॉब क्या है, ए बी सी डी, मशीन प्रोसेसिंग वही थी, और उसी के हिसाब से हमने निकाल लिए कि ये हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। तो हमने निकाल लिया जी व्हाट सीक्वेंस वुड दिस जॉब, तो हमने उसी सीक्वेंस में डेवलप किया जिस सीक्वेंस में ये अवेलेबल थे, क्या थे ये, हमें उसी सीक्वेंस में डेवलप किया जिस सीक्वेंस में ये हमारे पास अवेलेबल थे, और उसी सीक्वेंस से हमने उसे आगे लेकर चलना है। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज हर्ड अबाउट 3 डिस्पैचिंग रूल्स, द शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट रूल, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रूल एंड द अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल, इन व्हाट सीक्वेंस वुड दिस जॉब्स बीन प्रोसेस्ड, तो हमने उसी सीक्वेंस में बनाया, और सीक्वेंस कैसे आ रहा है वो देखें यहां पे, पहला आया जी फर्स्ट कम फर्स्ट, तो पहले कौन सा आया था, डी, डी ए बी सी, यही बात है ना, तो यहां पे देखें पहला क्या आ रहा है, बी डी ए सी। अब यहां पे देखें तो पहले में क्या आ रहा है, फर्स्ट कम शॉर्टेस्ट, डी ए बी सी, ये रहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। अब अगर हम शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा आएगा, शॉर्टेस्ट ऑपरेशन कौन सा है, बी डी ए सी, क्या आ रहा है हमारे पास, बी डी ए सी। और अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल में क्या आएगा, तो देखें यहां पर अर्लीस्ट ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट को देखते हैं तो यहां पे क्या आएगा जी, पहला आ रहा है जी सी ए बी सी ए डी बी, ये आ रहा है क्या रहा है सी ए डी बी, तो यहां पे आ रहा है जी सी ए डी बी। तो हमने इसकी एक्यूरेसी उसी हिसाब से कर ली जिस हिसाब से हमारे पास सीक्वेंसिंग रूल्स एग्जिस्ट करते थे, जिस तरह सीक्वेंसिंग रूल्स होंगे उसी हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस भी नजर आएगी कि वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे या किन बेसिस पे वो एग्जिस्टेंस पे आएंगे। If it's now morning of July 10 and the shortest operation next is used, कौन सा use किया गया, shortest operation next use, when would each of 4 jobs start and be completed on PW grinder, express your schedule in terms of calendar dates involved assuming that there are 7 working days। अब आपने बनानी वही चीज है लेकिन आपने 7 working days को involve करना है, क्या करना है आपने 7 working days को involve करना है, जो आपको guide करेंगे कि आपने किस तरफ लेके जाना है। अब वो कह रहे हैं जी अगले 10 July 10 आ गई है, अब हमें ये गाइड करें कि शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट यूज हो रहा है, हाउ दीज 4 जॉब्स वुड बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, यानी कब इन 4 जॉब्स ने स्टार्ट होना है और कंप्लीट होना है, एंड बी कंप्लीटेड ऑन अ पीडब्ल्यू ग्राइंडर, एक्सप्रेस योर शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर, और नीचे कैलेंडर के हिसाब से शुरू करना है कौन सी चीज कब स्टार्ट हो रही है और उसी में इन्वॉल्व करना है। तो पीडब्ल्यूडी ग्राइंडर में क्या होना है, बी स्टार्ट हो रही है पहले, तो 7 तारीख को स्टार्ट हो रही है, 7/11 को क्या स्टार्ट हो रही है हमारे पास डी बी, और 7/12 इसको रहेंगे, ए को 4 दिन चाहिए, 1 2 3 4 दिन यहां चाहिए, और सी को 1 2 3 4 5, अब यहां देखें बैक पे तो यही हो रहा है, पहले हमें चाहिए कितना जी शॉर्टेस्ट रूल नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो हमने किसको किक करना है जी बी को, बी को 1 दिन में कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद डी, डी को हमें चाहिए 2 डेज, तो 2 डेज कर लिए, 7/11/12,
और फिर उसके बाद ए को चाहिए, ए कितना है हमारे पास 4 डेज। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, चारों के चारों दिन हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में है। और सी में क्या चाहिए हमें, कितने हैं 5 है। तो यहाँ कितने आएंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 के 5 दिन सी में एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे हैं कि दैट हाउ दे आर बीइंग इन द एग्जिस्टेंट, या किस तरह से ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे हैं। तो दैट इज नॉक्स मशीन्स एंड दैट इज द बीइंग सॉल्यूशन, यानी आपने कहा कि ये इस तरह गैंट, तो दिस इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ गैंट चार्ट। ये भी एक तरह से क्या टाइप है, गैंट चार्ट ही की टाइप है कि जिसमें गैंट चार्ट को हम देख रहे होते हैं, गैंट चार्ट के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर जा रहे होते हैं किस तरह से हमारे पास गैंट चार्ट ने वर्किंग लेकर आनी है या वर्क करना है, दैट हाउ द गैंट चार्ट इज गोइंग टू वर्क। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग। क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग कैसे करने, 8 वीक्स रिमेन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 50 फुट यॉट, यानी यॉट बनानी है आपने 50 फुट की और 8 वीक रिमेनिंग, और 8 वीक्स हैं आपके पास, कितने वीक्स हैं 8 वीक्स में आपने यॉट को बनाना है, यॉट आपने बनानी है। अज्यूम दैट ईच वीक consist of 5 work days, हर वीक में आपके कितने 5 working days हैं, तो 8 वीक्स में कितने हुए 40 working days हुए ना, तो 40 working days के अंदर आपने यॉट को कंप्लीट करना है फॉर टोटल लीड टाइम ऑफ 40 days, जो उसमें टोटल लीड टाइम उनके अंदर कितना है दैट इज ऑफ 40 days, के 40 days इनका लीड टाइम है। द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिक्वायर्ड 10 operations 4 days फॉर ईच, यानी कि 10 operations रिक्वायर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके अंदर कितने 4 4 days इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व है हमारे पास 4 4 days इन्वॉल्व है, और ये टोटल कंप्लीट बनेंगे 40 days, यानी एक बिल्कुल सिमिलर एक स्मूथ किस्म की चीज बताई हुई क्या चीजें हमने करनी है, और उसी के हिसाब से बता रहा है कि ये चीजें हमें इन्वॉल्व है। तो अगेन 50 yards बनानी है, 50 foot की yard बनानी है, 5 working days है, total 40 working days है, और 40 working days के अंदर हमने 10 operations करने हैं, जिनमें से हर एक का जो time duration है वो कितना है 4 days है, कितना time duration है उनका 4 days है, यानी जितना भी हमारे पास आएगी value हमने उसी 4 days के हिसाब से ही देखना है। तो means to say क्रिटिकल रेशियो में हमें ये एक तरह से एग्जांपल दे दी गई कि ये चीज हमने लेके आनी, और 4 days ईच मींस हर दफा ये क्या है कांस्टेंट ही चल रहा है, उसमें कोई भी चीज चेंजेस एग्जिस्टेंस में नजर नहीं आ रही। अब यहां पे आ गए, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग ऑफ वीक 3 ऑफ द 10 operations हैज बीन कंप्लीटेड एंड द यॉट वॉज वेटिंग फॉर द 4th operation, यानी कि 3 operation उन 10 में से 3 operations हो गए, जो यॉट है वो वेट कर रही है 4th operations के लिए। What critical ratio priority? Time remaining. Remaining kit क्या है जी? 40 minus 11, 11 days हो गए हैं। And work remaining कितना है जी? That is of 28. क्या है हमारे पास 28. तो यहाँ पे क्या है जी? Time remaining. Time कितना रह गया? मैंने कहा जी यहाँ पे कितने overall में हमारे पास कितने दिन complete हो गए? That is of 12. कितने हो गए हमारे पास? यानी week 3 आ गया। यानी वीक 3 में आ गए हमारे पास, और 3 out of 10 operations हैज बीन डन, कि 3 out of 10 operations हम लोग डन कर चुके हैं, हैज बीन कंप्लीटेड एंड द यॉट वाज वेटिंग फॉर द 4th operation, व्हाट इज द क्रिटिकल रेशियो प्रायोरिटी। तो टोटल हमारे पास वर्किंग डेज कितने थे? हमारे पास 40 थे, जिनमें से 2 वीक्स के 10 तो निकल गए, 2 वीक्स तो 10 के निकल गए, 11th भी मंडे भी निकल गया, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तो ये मेरे पास आ रहा है। तो अब मैंने कहा जी ये मेरे पास कितने हैं जी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तो ये लग गए, 1 वीक के हमारे पास 5 दिन तो ये लग गए। इसी तरह हमारे पास अगला वीक भी गुजर गया, तो 10 दिन गुजर गए, 5 और हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने 10 दिन गुजर गए। अगले वीक का कह रहे ट्यूसडे, तो इसका मतलब मंडे भी गुजर चुका है, तो एक तो उसका भी आ गया, तो हमारे पास टोटल में कितने आ गए, दैट इज ऑफ 11, यानी 11 डेज आ गए। तो 40 minus 11 क्या आ गया हमारे पास, 40 minus 11, तो 11 को माइनस किया तो हमने कहा जी इतने डेज हमारे पास रिमेनिंग है, दैट इज 29 डेज हमारे पास रिमेनिंग है। और वर्क कितना रिमेनिंग है, वर्क रिमेनिंग, अब वर्क रिमेनिंग कैसे निकलना है, वो निकलना है जी सिंपल केस है कि हमारे पास 3 वीक्स गुजर गए, 7 वीक्स बचे हैं,
क्या बचे हमारे पास, 3 वीक्स गुजर गए, 7 वीक्स बचे और टाइम रिमेनिंग आ गया और वर्क रिमेनिंग हमारे पास एग्जैक्टली कितना बच रहा है, दैट इज ऑफ 28। कितना वर्क बच रहा है, 28। और ये हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, यानी 4 डेज ईच है, 10 ऑपरेशन है, 40 डेज है हमारे पास। और अभी हमारे पास वर्क रिमेनिंग कितना रह गया, दैट इज 50, और 5 वर्किंग डेज हमारे पास पड़े हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, वर्क रिमेनिंग से इसे डिवाइड कर दिया कि वर्क हमारे पास रहता है 28 का, यानी वर्क अभी हमारे पास इतना हमारे पास एग्जिस्टेंस में पड़ा है। तो और वो यहां पे इसीलिए कह रहा है बैक पे, तो देखिये 5 ईच वर्क एंड टोटल ऑफ 4 डेज ऑफ ईच, यानी 10 ऑपरेशन है, 4 डेज फॉर ईच, ईच के लिए 4 डेज चाहिए। तो 4 3s are 12, कितना आ गया, 4 3s are 12 आ रहा है, यही आ रहा है ना, यानी कि 3 वीक्स गुजर चुके हैं, 3 वर्क कंप्लीट हो चुके हैं और जिन पे हमें 4 दिन लगे हैं, तो 12 दिन है, तो 40 में से 12 दिन निकाल दूं तो कितना बचा, 28 का बचा, कितना बचा मेरे पास, 28 का बचा। तो इसीलिए यहां पे क्या हुआ जी, 29 डिवाइडेड बाय 28, तो मैंने कहा जी यहां पे मेरे पास जो वर्क आ रहा है वेट 1.08, दैट इज नोन टू बी एज अ क्रिटिकल स्केड्यूलिंग। क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ क्रिटिकल स्केड्यूलिंग, की क्रिटिकल स्केड्यूलिंग यही हमारे पास आएगा, दैट इज 1.04। कितना आ रहा है ये हमारे पास, 1.04 पे हमारे पास आ रहा है, दैट इज 29 एंड 28। तो दैट इज क्रिटिकल रेशियो, ये हमारे पास क्या चीज आ गई, एक तरह से क्रिटिकल रेशियो आ गई है कि हमारे पास कितना क्रिटिकल हुआ हुआ है इस टाइम कि हमारे पास टाइम कम है, यानी। और याद रखिएगा, जितना हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है स्पीड से, उतना हमारे पास वर्क रिमेनिंग मुश्किल होता जाएगा। मींस 1 से नीचे जाएगी, इसका मतलब है हमारे लिए प्रोजेक्ट को डिले होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे ही हमारे पास क्रिटिकल रेशियो 1 से नीचे जाएगी, और 1 से ऊपर होगी तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट उसमें के पास एम्पल टाइम है, जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट इजीली अपने आप को कवर अप कर सकता है और इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैंने इसे किस तरह से कैसे पूरा करना है। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है और उसमें हमने किन चीजों को सामने रखते हुए चलना है। तो क्रिटिकल रेशियो को हमने इसी तरह आइडेंटिफाई करना होता है कि हर चीज को देखना है कि हो कितने गए हैं और हमने गिने कितने, हमारे पास बचे कितने टाइम्स। और अभी अगर आपके पास डेट्स दी होती तो आपको ज्यादा एक्यूरेटली समझ में आ रहा होता कि मैंने इसको किस तरह से किन बेसिस पे क्रिटिकल रेशियोज को एवेल्युएट करना है या आइडेंटिफाई करना है या एवेल्युएट करके आगे लेकर जाना है। सो दैट मीन्स टू से कि आपने जब भी क्रिटिकल रेशियो मेजर करनी है, टाइम रिमेनिंग कितना टाइम रह गया और वर्क कितने दिन का कंप्लीट हुआ है। मींस एक चीज 4 दिन की थी तो वर्क टाइम कितना था, वर्क रिमेनिंग तो 4 दिन में ही होना था, मैंने किया 5 दिन में, तो इसका मतलब है ऑब्वियस ही बात है कि 5 दिन ज्यादा लगा दिए, तो इसका मतलब मेरे पास तो टाइम पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिले हो गया। तो इसलिए टाइम रिमेनिंग डिवाइडेड बाय वर्क रिमेनिंग, टाइम रिमेनिंग डिवाइडेड बाय वर्क रिमेनिंग। अब यहां पे देखें तो अब क्या हो, व्हाट इज द क्रिटिकल रेशियो इफ ओनली 2 of the 10 operations आर कंप्लीटेड बाय ट्यूसडे ऑन द मॉर्निंग ऑफ वीक 3। अब वो कह रहा है कि सपोज आपके पास क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 operations कंप्लीट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क 3, यानी कि अभी तक आपने 3 हफ्ते गुजर गए और आपने वर्क कितने वीक का खत्म हुआ, सिर्फ 2 का, यानी कि अगर मैं कहूं 2 operations कंप्लीट हुए तो 4 दिन का एक था, 8 दिन हुए, इसका मतलब है 32 का वर्क काम पर पड़ा है, लेकिन ऊपर अभी उतने ही दिन गए कि 2 वीक्स चले गए 5 5 डेज के और मंडे भी चला गया तो 11 दिन हो गए। तो यहां पे हम कहेंगे जी दैट मींस 29 डिवाइड बाय 32। अब यहां पे जो है ना प्रोजेक्ट ऑन क्रिटिकल साइड पे आ गया, अब यहां पे क्या हो गया, प्रोजेक्ट ऑन अ वेरी क्रिटिकल नोड पे आ गया कि प्रोजेक्ट को यहां पे नहीं क्लियर हो पा रहा कि वो क्या चीजें किस तरह से चलेगा, बिकॉज यहां पे उसके पास टाइम कम बच गया। तो क्रिटिकल रेशियो इज द वन थिंग जो आपको ये बता देता है कि आपकी प्रोजेक्ट किस क्रिटिकल मोड पे आया हुआ है, यानी किस क्रिटिकल रेशियो पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसकी क्रिटिकल रेशियो बहुत हाई है या बहुत कम है या बहुत ज्यादा है या बहुत रिड्यूस्ड है। तो यहां पे क्रिटिकल रेशियो उसी हिसाब से चल रही होती, तो 29 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 0.91। कितनी आ रही है ये, 0.91 आ रही, कितनी आ रही है ये, 0.91, और जो बहुत लो है, मैंने कहा है ना विद द पैसिव टाइम, जैसे ही हमारे पास क्रिटिकल रेशियो गिरेगी हमारे लिए मुश्किल ज्यादा होती जाएगी, यानी हमारे पास ज्यादा मुश्किल इसके लिए चीजें होती जाएंगी, बिकॉज दैट इज नॉट इन द सिंपल फॉर्म। यहां पे आपको देखना पड़ता है कि आपके पास क्या चीजें और किन बेसिस पे वैल्यूएट हो रही है। सो क्रिटिकल रेशियो का लोअर होना आपके लिए प्रोजेक्ट डिले लेके आता है, क्रिटिकल रेशियो का हायर होना आपके लिए प्रोजेक्ट को बेनिफिशियल, यानी कि आपके डिले होने से रोकने की तरफ आता है। मींस इसका मतलब है प्रोजेक्ट अभी ओवर टाइम अर्ली खत्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, डिले होने के चांसेस कम हैं, यानी वो प्रोजेक्ट इतने डिले नहीं होगा या डिले होने के चांसेस उसमें नहीं है।
हाँ नो देर इज अ फिनिट लोडिंग. अब फिनिट लोडिंग इज समथिंग जिसमें हम कहते हैं कि जिसे कहते हैं रिसोर्स लेवलिंग. इसका अदर दूसरा मीनिंग अगर लूं तो मैं कहूंगा जी रिसोर्स लेवलिंग की बात करूं. किसकी बात करूं मैं? रिसोर्स लेवलिंग. कि मैंने अगर रिसोर्स को लेवल करना हो तो हाउ आई एम गोइंग टू लेवल द रिसोर्सेज. कि मैंने रिसोर्सेज को किस तरह से और किन बेसिस पे लेवल करना है. इनफिनिट वर्सेज फिनिट लोडिंग. इनफिनिट लोडिंग क्या होती है कि जितने मर्जी एक ही दिन पे लोड पे ले जाओ. यानी मींस आप कहो जी कि मैं तकरीबन 500 यूनिट एक ही दिन मंगाऊंगा और बाकी अगले दिन 20-20 यूनिट मंगाऊंगा. तो इसका मतलब है इनफिनिट लोडिंग है. कुछ होती है फिनिट लोडिंग जिसमें आप एक थ्रेशोल्ड रखते हो. कहते हो नहीं इतनी लोडिंग होगी तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाओगे, आगे बाकी लोडिंग अगर मंगानी है तो अगले दिन मंगाओगे. सो दैट इज नोन टू बी एज अ फिनिट लोडिंग. क्या कहते हैं उसे हम? फिनिट लोडिंग है ये. तो एक होती है इनफिनिट लोडिंग और एक होती है फिनिट लोडिंग. अब क्या होता है, अब पहली अगर आप डायग्राम देखें तो यहां क्या है, आर्स आ रहे हैं और यहां वीक्स आ रहे हैं. अब वो कह रहे हैं जी पहले वीक में हमने इतना मंगाया, दूसरे वीक में हमने इतना मंगाया, फिर इतना मंगाया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, फिर अब यानी हर एक का है. लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर ये तो है जी इनफिनिट लोडिंग, वो कहता है मैं फिनिट लगाता हूं, यानी इस पे मैं थ्रेशोल्ड लगा देता हूं इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी. के भाई हमारे पास रखने की कैपेसिटी इतनी है, हमारे पास इससे ज्यादा की कैपेसिटी ही नहीं है, यानी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी है ही नहीं. तो जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने फिर इनको कट ऑफ करके किसी और दिन लेके जाना है. यानी ये जो पोर्शन है ये उठ के फिर यहां कहीं आएगा थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन उठ के फिर यहां आएगा, ये वाला पोर्शन उठ के फिर थोड़ा सा यहां पे आएगा, और बाकी जो बचेगा वो फिर यहां पे आएगा. मींस आप डेज बढ़ा देंगे जैसे नीचे हुए. अब ये क्या है इनफिनिट लोडिंग. उन्होंने कहा जी 80 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है. उन्होंने कहा जो कुछ मंगाना है इसके अंदर ही मंगाना है, इसके अंदर आपने और कोई चीज भी एग्जिस्टेंस में नहीं लाने या ला सकते. सो दैट मींस ओपन शॉप ऑर्डर्स, यानी कि ओपन शॉप ऑर्डर्स जितने हैं और प्लान ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं. हमारे पास इसको प्लान ऑर्डर कहते हैं जो खाली है. तो मींस एक होता है फिनिट लोडिंग और एक कहलाता है आपके पास इनफिनिट लोडिंग. इनफिनिट क्या है कि जिसमें आप जितना मर्जी लोडिंग या जितना मर्जी ऑर्डर एक ही दिन में दे लें. और फिनिट लोडिंग क्या है कि नहीं यू हैव टू फॉलो विद द कैपेसिटी. कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसी हिसाब से फॉलो करो और उसको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलो. कि यानी जितनी आपकी कैपेसिटी नजर आएगी आपने उसी को लेकर आगे चलना है, उसके अलावा और आगे लेकर नहीं जाना. तो दैट इज फिनिट एंड इनफिनिट लोडिंग. कि फिनिट भी आ रही है और साथ ही इनफिनिट लोडिंग भी लेकर हम चल रहे हैं. सो दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ इनफिनिट लोडिंग एंड देयर एग्जिस्ट अ फिनिट लोडिंग. कि फिनिट लोडिंग भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही इनफिनिट लोडिंग भी आ रही है. तो ओपन शॉप ऑर्डर्स है, प्लैंड ऑर्डर्स है, ओपन शॉप ऑर्डर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास प्लैंड ऑर्डर्स भी आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ओपन शॉप ऑर्डर्स भी आ रहे हैं एंड देयर एग्जिस्ट अ प्लैंड ऑर्डर्स भी आ रहे हैं. तो सीआरपी प्रोफाइल फॉर वर्क सेंटर आ रहा है, फिनिट लोड कैपेसिटी प्रोफाइल आ रहा है, ओपन शॉप ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड प्लैंड ऑर्डर्स आ रहे हैं. ओपन शॉप ऑर्डर्स भी हैं एंड देन साथ ही प्लैंड ऑर्डर्स भी हैं, दैट इज फिनिट लोडिंग. यानी इनको हम कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ फिनिट लोडिंग. फिनिट लोडिंग में हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं. अब यहां पे एग्जांपल देखते हैं. अब बंडी कंपनीज प्रोड्यूसेस फॉर 3 प्रोडक्ट्स ए के पी. Each order goes through the same 3 machine center. यानी बंडी कंपनी वो 3 प्रोडक्ट बनाती है ए के पी और वो 3 सेम 3 मशीन से गुजरती है. यानी goes through same 3 machines, but not necessarily in the same sequence. जरूरी नहीं कि सेम सीक्वेंस में गुजरे. Each order must be finished at the time at the machine center. हर ऑर्डर ने फिनिश होना है मशीन सेंटर में बिफोर एन अदर कैन बी स्टार्टेड. यानी एक ऑर्डर पहले कंप्लीट होगा फिर अगला शुरू होगा, साथ साथ शुरू नहीं कर सकते. ऑर्डर कैन नॉट बी स्प्लिट, यानी ऑर्डर 2 टुकड़ों में नहीं हो सकता. द शॉप वर्क्स अ सिंगल 8 आवर शिफ्ट. यानी कि क्या होता है, द शॉप वर्क करता है 1 आवर फॉर शिफ्ट 5 डेज पर वीक. यानी 8 आवर की एक ही शिफ्ट होती है और 5 डेज अ वीक वर्क करती है. अज्यूम दैट द टाइम टू मूव बिटवीन मशीन्स इज नेग्लिजिबल. जो एक मशीन से दूसरे मशीन तक उठाने का कोई टाइम नहीं है. ईच मशीन सेंटर इज ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे. यानी हर मशीन जो है ऑपरेट करती है 8 आवर्स पर डे. यानी हर मशीन का ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 8 आवर्स पर डे. ऑल 3 मशीन्स आर कंकरेंटली अवेलेबल. ऑल 3 मशीन्स आर कंकरेंटली अवेलेबल फॉर शेड्यूलिंग एंड नो फर्दर ऑर्डर्स विल अराइव. यानी कि यही ऑर्डर्स हैं और कोई ऑर्डर्स उसमें अराइव होने नहीं है या जरूरत नहीं है कि उन्होंने अराइव होना है. सो दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग देयर. अब क्या हो रहा है, AKF था. मशीन सेंटर्स क्या है, 312. यानी इस रूप में चले जाएंगे आप 231 और 321. और मशीन्स क्या, प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच
मशीन क्या मतलब प्रोसेसिंग टाइम क्या है फॉर ईच मशीन क्या है जी हमारे पास एट ईच मशीन वो हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है दैट इज 2, 3, 1 यानी कि हमारे पास एग्जिस्टेंस में नहीं सॉरी 1, 2, 3 सॉरी यहां पे थोड़ी सी एरनिंग है दैट इज 1 दैट इज 2 एंड दैट इज 3 और यहां नहीं है ये ड्यू डेट यहां पे आ रहा है ड्यू डेट ये आ गया तो यहां पे 3 आ गई ये 3 है ये 2 है और ये 1 है और ये हमारे पास इन डेज है ऑर्डर ड्यू डेट्स आर फिक्स्ड बेस्ड ऑन शॉप कैलेंडर इट इज नाउ 8 एएम मंडे एंड मंडे ऑफ नेक्स्ट वीक इज द डे 6 यानी कि अभी मंडे है और मंडे से नेक्स्ट वीक में डे 6 आ जाएगा तो यहां पे हमारे पास मशीन सेंटर रूटिंग है और यहां पे हमने कहा जी ईच ऑर्डर पे इसी तरह ही हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये हमारे पास वैल्यूएशंस हैं और इसी को चल रहे हैं और यहां पे देखें तो वो यही कह रहे हैं कि यहां पे ईच ऑर्डर फिनिश्ड एंड नेसेसरी आ रहे हैं और 5 डेज पर वीक वो काम करते हैं कितना कर रहे हैं वो 5 डेज पर वीक तो ऑर्डर ड्यू डेट आज मंडे है डे 1 एंड मंडे ऑफ नेक्स्ट इज द डे 6 यानी पूरे 5 डेज है और अगला मंडे जो होगा वो डे 6 कहलाएगा तो इसका मतलब मशीन सेंटर रूटिंग क्या है जी पहले 3, 1, 2 पे जाएंगे पहले 3 पे जाएगा फिर 1 पे फिर 2 पे जाएगा यानी ईच आइटम वुड बी डिलीवर्ड इन द सेम मैनर यानी आपको उसी में पता लग रहा होगा कि इसे सेम मैनर में ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है अब यहां पे देखें तो यहां पे अब क्या है मशीन सेंटर 1 यूज द हॉरिजॉन्टल लोडिंग प्रोसीजर विद अर्लीस्ट ड्यू डेट प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल अर्लीस्ट ड्यू डेट अब अर्लीस्ट ड्यू डेट में देखें तो हमारे पास ऑर्डर ड्यू डेट क्या आ रही है इसकी 14th आ रही है और इसकी 12th है इसकी 10th है तो पी को पहले देखेंगे तो 3, 2, 1 को देखेंगे पहले जाएगा 3 में जाएगा फिर 2 में जाएगा और फिर 1 में जाएगा यानी पहले हम जाएंगे जी 3 में तो 4 डेज लेगा पहले जाएगा जी 3 पे तो 4 डेज लेगा ये आ गया हमारे पास दैट इज 1, 2, 3, 4 यानी 4 डेज उसने यहां पे पूरे लिए यहां पे देखें पी ने तो पी का जो प्रोसेसिंग टाइम था 1 के साथ वो कितना था यहां पे 3 आ गया फिर वो उसने लिए कितने 2 डेज लिए 3 डेज लिए यहां पे तो P2 आ गया और फिर यहां पे उसने 2 डेज लिए तो पी इज नाउ एंडेड अब पी देखें यहां पे एंड हो गया कि यहां पे उसने 2 लिए थे 3 यानी 3, 4, 3, 2 यही बात है ना उसने 4, 3, 2 तो उसने यहां पे भी हुए देखें ये लिया हुआ कि 4, 3, 2 तो ये हमारे पास पूरा हो गया अब उसके बाद आ रही है अगली चीज जो आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है हमारे पास दैट इज उसके बाद अगला आ रहा है हमारे पास दैट इज ऑफ 12 यानी 12 जिसकी ऑर्डर ड्यू डेट है तो यहां पे आ रहा है 2, 3, 1 क्या आ रहा है यहां पे 2, 3, 1 पे तो पहले 2 में जाएगा फिर 3 में और फिर 1 पे जाएगा तो पहले 2 पे जाएगा तो 1 है फिर उसके बाद 3 है और फिर 3 है और k को देखते हैं हम फिर पहले 1 पे जाएगा k यहां पे 1 पे गया पहले 1 पे आया फिर उसके बाद यहां पे आया k2 1 3 और फिर हमारे पास आया 3 यहां पे k पे तो यानी हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूएशन उसके हिसाब से लेकर हम चल रहे हैं कि किस तरह से हमने आगे लेकर जाना है तो यहां पे हमने उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चल पड़े कि हमारे पास दैट इज बीइंग इंपॉर्टेंट इन द केस ठीक है ना ये सीक्वेंसिंग उसी हिसाब से देख रहे हैं हम कि किस तरह से हमने उसको आगे देख लेकर चलना है तो दैट इज हाउ वी कैन डू इट और वी कैन परफॉर्म इट तो दैट इज के और उसके बाद हमने के वन को रखा है पहले और उसके बाद हमने कहा जी मशीन सेंटर पे वर्क हुआ और फिर उसके बाद हमने आगे लेकर चल पड़े हैं उसके बाद अगला क्या है 14 3, 1, 2 तो 3 क्या है जी 3, 2, 1, 3 तो 3, 1, 2 में पहले जाएंगे तो पहले जाएंगे हम जी 3 और फिर 1 और फिर 2 पे तो 3 पे पहले जाएंगे हम ये आ गया A1 फिर हम जाएंगे 1 पे तो ये आ गया हमारे पास A2 और फिर आएगा हमारे पास 3 पे यूज हॉरिजॉन्टल लोडिंग प्रोसीजर विद अर्लीस्ट ड्यू डेट सीक्वेंसिंग रूल प्रिपेयर अगेन चार्ट शोइंग अ प्रोसीजर फॉर 3 ऑर्डर्स यानी 3 ऑर्डर्स के हमने प्रोसीजर को देखने और यहां क्यों लग रहे बिकॉज हमारे पास डेट्स हैं हम बार अब असूलन तो आपके पास एक चीज जनरेट होती है कि यार ये वाला काम यहां पे भी तो आ सकता था क्यों नहीं आया तो वो काम शुरू ही 5 से पहले के बाद हुआ है कहां से हुआ है वो काम शुरू ही 5 के बाद हुआ है और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा अगला नहीं शुरू हो सकता तो अगले के लिए इसने ये बुकिंग की हुई है तो यहां इसके लिए उसके बाद ही आएगी वैल्यू इससे पहले नहीं ला सकते बिकॉज जो उसकी ड्यू डेट्स है हमने उसी को लेकर आगे चलना है और किस हिसाब से चलना है हमने वही देखना है कि डेट्स क्या आ रही है हमारे पास वो यही आ रहा है ना कि हमने उसी को डेट को लेकर चलना है और उससे पहले नहीं लेके चलना उसी के साथ साथ ही हमने उसे आगे लेकर मूव करना है
अब यहां पे देखें तो यूज द वर्टिकल लोडिंग प्रोसीजर एंड शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट. अब यहां पे मेथड चेंज करें, शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल प्रिपेयर अ गैंट चार्ट. अब ये जो डेवलप हुआ है ये शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग के हिसाब से बना हुआ है. ये शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और हमने शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग को किस तरह से डेवलप करके आगे लेकर चलना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस. इसके जैसे हमने प्रोसेस किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करके लेकर चलना है. प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट शेड्यूलिंग, प्रोसेस डिजाइन की क्या इंपैक्ट है और स्केड्यूलिंग कैसे और किन बेसिस पे होती है. बैच मैन्युफैक्चरिंग मैंने पहले बताया था, वर्क ऑर्डर्स होते हैं रेपिटेटिव के लिए जेआईटी और कैनबैन को यूज करते हैं. वर्क सिस्टम वर्क ऑर्डर के लिए जेआईटी और कैनबैन यूज होता है और बैच मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क ऑर्डर और रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग को नॉर्मली ज्यादा रखा जाता है. So, देखते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द स्केड्यूलिंग. अब वही स्केड्यूलिंग है वर्क इन जेआईटी और उसके हिसाब से वर्क ऑर्डर के हिसाब से, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्केड्यूलिंग. स्केड्यूलिंग हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आ रही है, मींस हाउ वी आर गोइंग टू स्केड्यूल थिंग्स, स्केड्यूल कैसे करना है और किन बेसिस पे करना है. पहली चीज, व्हाट इज स्केड्यूलिंग? लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन अकर्स. ये स्टार्ट कब है? लास्ट स्टेज है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल. लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन अकर्स यानी प्रोडक्शन अकरेंस से पहले की जो लास्ट स्टेज है दैट इज नोन टू बी एज अ स्केड्यूलिंग. स्पेसिफाई व्हेन लेबर इक्विपमेंट फैसिलिटीज आर नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विसेज. स्पेसिफाई व्हेन लेबर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, व्हेन लेबर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी आर नीडेड, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोड्यूस और प्रोडक्ट और प्रोवाइड अस सर्विसेज. यानी क्या लेबर इक्विपमेंट फैसिलिटीज कितनी रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमने कैसे और किन बेसिस पे डेवलप करने हैं. शेड्यूलिंग प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें, बैच प्रोडक्शन की बात करें, प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग ईओक्यू यूज करेंगे रिप्लेनिश के लिए, मैस प्रोडक्शन है, असेंबली लाइन बैलेंसेस हैं एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे जिसे पर्ट है यहाँ पे. और बैच के लिए एग्रीगेट प्लानिंग, मास्टर स्केड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मास्टर स्केड्यूलिंग एंड एग्रीगेट प्लानिंग दैट इज फॉर बैच प्रोडक्शन. प्रोसेस के लिए ईओक्यू, रिप्लेनिश और पर्ट, सीपीएम ये सारी चीजें यूज करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस. और प्रोसेस के लिए नॉर्मली जीआईटी को भी यूज किया जाता है बिकॉज जीआईटी इज रिलेटेड टू योर प्रोसेस इंडस्ट्री. किससे रिलेट कर रहा होता है? दैट इज रिलेटेड टू प्रोसेस इंडस्ट्री, के जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री होगी हमें वही गाइड करेगी कि हमने क्या और कैसे लेकर आगे चलना है. तो प्रोसेस इंडस्ट्री उसी हिसाब से हमारे साथ वेरी करेगी या वर्क करेगी या व्हाट सो एवर दैट इज द पार्ट ऑफ थिंग. तो दैट इज प्रोसेस इंडस्ट्री एंड दैट इज बैच प्रोडक्शन. प्रोसेस इंडस्ट्री भी है और साथ ही बैच प्रोडक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है. ऑब्जेक्टिव्स इन स्केड्यूलिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन स्केड्यूलिंग में? मीट आर कस्टमर ड्यू डेट्स. स्केड्यूलिंग का सबसे पहला काम है ड्यू डेट कस्टमर की ने. मिनिमाइज जॉब लेटनेस, रिस्पॉन्स टाइम हायर कर, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमाइज कंप्लीशन टाइम एंड मिनिमाइज टाइम इन द सिस्टम. यानी ये सारी चीजों को मिनिमाइज करना है. हमने क्या करना है? इन्हों मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज ओवर टाइम, मैक्सिमाइज मशीन और लेबर यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज आइडल टाइम एंड मिनिमाइज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग. दैट आर वन ऑफ द थिंग्स जिसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें चाहिए होंगे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ही हम आगे वैल्यूएशंस को लेकर चलेंगे. यानी हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू देम. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, यानी मीट कस्टमर ड्यू डेट्स, मिनिमाइज जॉब लेटनेस, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमाइज कंप्लीशन टाइम and minimize time in the system and minimize overtime, maximize machine or labor utilization and minimize idle time, minimize work in process inventory. शॉप फ्लोर कंट्रोल SFC. अभी तक हमने डिस्कस किया शेड्यूल और मॉनिटर डे टू डे जॉब शॉप प्रोडक्शन. जो जिस जगह प्रोडक्शन हो रही है उसे कहते हैं जॉब शॉप, जहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि क्या चीज कहां पड़ी है और कितनी यूज हुई है कितनी यूज नहीं हुई है. ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल. क्या कहते हैं इसे हम? प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल और प्रोडक्शन कंट्रोल परफॉर्म्ड बाय प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट. क्या कहते हैं इसे हम? परफॉर्म्ड बाय प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट. लोडिंग चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मशीन एंड लेबर. उस फ्लोर पे आपने देखना है कि क्या ये सारी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं है.
अगर ये अवेलेबल है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन हमने ये चेक करना है. सीक्वेंसिंग, रिलीज वर्क ऑर्डर्स टू शॉप एंड इशू डिस्पैच लिस्ट ऑफ फॉर इंडिविजुअल मशीन्स, कि वर्क ऑर्डर भी आपने इशू करना है और डिस्पैच ऑर्डर भी आपने देना है फॉर इंडिविजुअल मशीन्स, कि इंडिविजुअल मशीन्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट करना है. मॉनिटरिंग, मेंटेन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन ईच जॉब अंटिल इट इज कंप्लीट. मॉनिटरिंग क्या है, मेंटेन प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ साथ देनी है फॉर ईच जॉब अंटिल इट इज कंप्लीट, हर जॉब के लिए फॉर अंटिल इट इज कंप्लीट, फॉर ईच जॉब अंटिल इट इज कंप्लीट, के ईच जॉब के लिए जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट करनी है, अंटिल इट इज कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए. मेंटेन प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ईच जॉब, यानी ईच जॉब पे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद हमारे पास आगे चीजें स्केड्यूल होंगी. लोडिंग, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू लिमिटेड रिसोर्सेज. लोडिंग का मतलब है प्रोवाइड, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को आप वर्क असाइन कर रहे हैं. परफॉर्म वर्क विद मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज, परफॉर्म करना है वर्क को विद मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज. यूज असाइनमेंट मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्राम टू डिटरमिनिंग एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असाइनमेंट मेथड को यूज करना है फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होनी है, थ्रू असाइनमेंट मेथड, किसके थ्रू, असाइनमेंट मेथड के थ्रू. असाइनमेंट मेथड, परफॉर्म रो रिडक्शन, सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू ईच रो फ्रॉम ऑल अदर रोज, रो वैल्यूज, यानी कि जो मिनिमम रिडक्शन करें जी, पहले सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू इन ईच रोज फ्रॉम ऑल अदर रो वैल्यूज. परफॉर्म कॉलम रिडक्शन, सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू इन ईच कॉलम फ्रॉम ऑल अदर कॉलम वैल्यूज, ऑल अदर कॉलम वैल्यू में से क्रॉस आउट ऑल जीरो इन मैट्रिक्स, जितने भी जीरो हैं उन सबको क्रॉस कर दें. यूज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर एंड वर्टिकल लाइन, इफ नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन फॉर्म. क्या हुआ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड. एंड मेक असाइनमेंट वेयर जीरो अपीयर्स, इजीली मॉडिफाई मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्ट मिनिमम अनक्रॉस्ड वैल्यू, एड इट ऑल एंड इंटरसेक्ट अदर वैल्यूज इन द मैक्स, रिपीट 3 and 4 अंटिल ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड, एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास अचीव हो जाए. अब हमने ये देख लिया ये स्टेप्स हैं, कुछ लिखे हुए हैं, कुछ समझ आ रहे होंगे आपको, कुछ नहीं आ रहे होंगे, अब मैं जब इसकी एग्जांपल करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या है, और हम साथ साथ इसे देखते जाएंगे हमने कैसे और किस तरह से इसे आगे देखना है और किस तरह से इसे परफॉर्म करना है. अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, आप देखें क्या हुआ है यहाँ पे. अब प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 इनिशियल मैट्रिक्स में ये सारी चीजें, अब यह हमारे पास है असाइन करनी है, क्या करनी है, हमने चीजें असाइन करनी है एक दूसरे को. अब हमारे पास क्या है जी, रो रिडक्शंस हैं, वो कह रहा है रो में से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है उसको पहले हमने देखना है और रो रिडक्शन को सबसे पहले लेके आना है. अब गौर से देखें तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, रो रिडक्शन में तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले अगर रो रिडक्शन देखें तो हमारे पास आ रही है यहां पे नंबर ऑफ लाइंस डॉक्टर टू नंबर ऑफ मॉडिफाई द मैट्रिक्स. तो कवर ऑल रोज को पहले देखने से पहले हम करेंगे क्या, यहां पे देखें पहला काम क्या, परफॉर्म रो है, सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू इन ईच रो फ्रॉम ऑल अदर रोज, यानी मिनिमम वैल्यू इन ईच रो फ्रॉम ऑल अदर रो वैल्यूज, के मिनिमम रो कौन सी. अब यहां रो रिडक्शन लेके आनी है तो हम यहां पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 5, 4, 2, 5 यहां पे आ रहा है, 0, 0, 1, 0 यहां पे आ रहा है, और साथ ही हम अब पहली देखेंगे रो में 5 यहां, ये क्या है 5 इसका है, इस रो का, इसका सबसे लोएस्ट जो है वो 2 है, इसका सबसे लो जो है वो 5 है, और इसका भी सबसे लो क्या है 5 है. अब मैंने क्या किया 5 इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया ये, यहां पे आ गया 0, इसमें से बचा 1 और इसमें से ही बचा 5, समझ आई बात. अब उसके बाद यहां पे 2 है, 2 इसमें से माइनस करूंगा तो 2 6 में से गए तो कितना बचा 4 आ गया, 2 में से 2 गए तो 0 आ गया, 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, और 6 में से 4 गए तो 2 आ गया. अगली चीज आ गई तो अगले में क्या आ रहा है जी 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, यहां 1 बचा. अब इसके बाद अगले में आ क्या रहा है कैरेस में, अब यहां पे भी 5 है तो 5 को मैंने जाना में 9 है यहां पे, और नहीं सॉरी यहां पे हमने गलत मार्क किया, यहां 5 नहीं है, यहां 4 है, यहां सबसे लोएस्ट कौन सा है 4 है, तो 4 को 9 में से माइनस किया तो 5 आया मेरे पास, और उसे 5 में से 4 किया तो 1 गया, और यहां पे 0 आ गया, और यहां पे 10 में से 4 गए तो 6 आ गया. रो रिडक्शन इज कंप्लीट. अब जब रो रिडक्शन कंप्लीट हो रही है तो नेक्स्ट काम मेरे पास क्या होगा, दैट इज टुवर्ड्स द, आपने देखना है द नेक्स्ट काम, द नेक्स्ट काम इज टुवर्ड्स द
कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन में हमने कॉलम में सबसे लोएस्ट ढूंढना है, क्या देखना है हमने कॉलम में सबसे लोएस्ट ढूंढना है कौन सा है। अब वो वाला हमारा ओरिजिनल नहीं रहा, अब हमारी ओरिजिनल क्या है रो रिडक्शन के बाद, रो रिडक्शन के बाद हमने देखना है कि इस कॉलम में से लोएस्ट कौन सा है, तो जी ये 2 निकला है इसमें से लोएस्ट, इसमें से लोएस्ट क्या है जी वो निकला है हमारे पास ऑब्वियसली ये 0011 हो चुकी है तो इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी। और इधर पे हम लोग आएंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आप देखें तो यहां पे लोएस्ट कौन सा है दैट इज अगेन 00 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 0 है यहां पे, तो यहां पे भी एक सबसे लोएस्ट 0 आ गया और यहां पे भी सबसे लोएस्ट 0 आ गया और यहां पे सबसे लोएस्ट 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, पहले तो एक ये मेरे पास बचा 2 और फिर यहां पे आया 1, बाकी में 0 है तो जारी बात है किसी में से भी 0 माइनस करूंगा तो आंसर 1 ही आना है, तो इन दोनों में तो आसानी है, ये दोनों तो ऑलरेडी एज इट इज लिख दूंगा, ये एज इट इज आ गए। उसमें से 2, 5 में से 2 गए 3 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, यहां 0 आ गया 2 और 5 में से बचा तो 3 आ गया, यहां पे आएगा तो 1 में 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमने वो सारी के सारी, अब वो क्या कह रहा है, यहां पे हमने दोनों कॉलम रिडक्शन भी कर दी रो रिडक्शन भी कर दी है। बैक पे जाएंगे वो कह रहा है जी क्रॉस आउट ऑल जीरोस इन मैक्स मैट्रिक्स, यूज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यानी कि मिनिमम नंबर्स ऑफ करके जितने भी जीरो इन मैट्रिक्स हैं उनको कवर अप कर दें, यानी कवर करके हटा दें। तो हमने क्या किया जी, जितने भी जीरो हैं हमने इसको भी कहा जी इसमें भी जीरो है इसको भी निकाल दो, इसमें भी जीरो है और इनको भी जीरो है तो इनको मैंने हटा दिया, तो पीछे मेरे पास क्या आया जी नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रोज नॉट सो मॉडिफाई द मैट्रिक्स, तो अब मेरे पास क्या 3 2 3 4 3 5 ये बच रहा है। तो आगे चलते, अब यहां पे जब मैंने क्या किया मॉडिफाई कर दिया मैट्रिक्स को, क्या किया मैंने यहां से मॉडिफाई कर दिया मैट्रिक्स को, तो कवर ऑल जीरोस, तो हमारे पास ऑल जीरोस भी इसमें कवर होते जा रहे हैं। तो अब गौर से देखें तो मैंने कवर कर दिया ऑल जीरोस को, तो यहां पे जब अगला स्टेप क्या था, इफ नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि रोज नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स, यानी कि जितनी रोज है उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस है। तो यहां पे गौर से देखें तो हमारे पास क्या है जी 1 2 और 1 2 3 ये अभी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है वी वुड मूव फर्दर, हमें अभी आगे से दोबारा लेकर जाना है। तो अब यहां पे क्या है जी, अब अगर वो इक्वल नहीं आएंगे, मेक असाइनमेंट वेयर जीरो अर्ली मॉडिफाइमेंट सब्ट्रैक्ट मिनिमम अनक्रॉस वैल्यू फॉर ऑल क्रॉस वैल्यू एड इट इन द सेल वेयर टू लाइंस आर अपीयर रिपीट 3 4 अनटिल द ऑप्टिमल अचीव, तो यहां पे फिर हमने क्या किया, यहां पे फिर अगेन मॉडिफाई किया मैट्रिक्स और क्रॉस आउट ऑल जीरोस किए, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ गए, तो यानी अगेन हमने वही किया कि यहां पे जीरोस निकाले हैं लोएस्ट रो और कॉलम को, कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन किए, क्या किया हमने रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन दोनों चीजें हमने की हैं। तो यहां पे हमारे पास ये दोबारा की है, मतलब ये जो आखिरी आ गया था कवर ऑल जीरो को, इसमें से हमने दोबारा कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन किए, तो रो रिडक्शन किए तो हमारे पास कवर ऑल जीरोस पे आ रहा था। सो दैट इज हाउ, अब जब हमने ये कर लिया, हमने क्रॉस आउट ऑल जीरोस कर दिए, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे जितनी भी वैल्यूज थी, क्या थी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी, ये हमारे पास रिड्यूस्ड आया था और ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज आई, क्या आई हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज आ रही थी, कि ये हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी। तो जब हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी तो हमने क्या किया, हमने इसको साथ ही इनको कंपेयर किया, तो जब भी हमने कंपेयर किया तो हमारे पास जो भी वैल्यूज बच रही थी, यानी जिनमें भी हमारे पास कुछ भी था या कोई भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी, यानी हर एक का हमने वो लाइन से एक एक वैल्यू को हमने पिक कर लिया जो हमारे पास लोएस्ट थी, तो लोएस्ट को हम पिक करते जा रहे थे, तो जो जो लोएस्ट आती जा रही थी हमने उसको पिक कर लिया, और यानी मींस अब यहां पे ये दोनों जीरो थे, इनमें से मैंने कहा चलो ये मैं पिक कर लेता हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये था, इसमें से मैंने ये पिक किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये था, इस लाइन में एक ही जीरो था तो उस जीरो के अगेंस्ट मैंने 4 रख लिया, इस लाइन में भी एक जीरो था तो मैंने जीरो के अगेंस्ट 4 रख लिया, इन सब को प्लस किया मल्टीप्लाई कर दिया $100 से, तो मैंने कहा जी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है जी दैट इज 2100। तो दैट्स हाउ असाइनमेंट मेथड वर्क्स, ये एक्सेल पे हुआ असाइनमेंट मेथड, इसमें नॉर्मली एक्यूरेटली असाइनमेंट मेथड हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूले लगते हैं सॉल्वर के थ्रू और आपकी असाइनमेंट मेथड सॉल्व हो जाता है, और ये उसी के बताएं इंशाल्लाह आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको मैं इस तरह की असाइनमेंट मेथड ऑन एक्सेल करना भी सिखाऊं।
और यही उसी की देखें एग्जांपल चल रही है कि असाइनमेंट मेथड हमने किस तरह से परफॉर्म किया और वही आंसर आया 2100 जो हमारा आया था, दैट इज डॉलर 100 कॉस्ट पर आर थी तो 2100 हमारे पास भी आया है। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 13। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वन। अल्लाह हाफिज़।